मैं हूँ फातिर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप मंसूर हुसैन और आपसे मुखातिब हूँ। देखिए कि इलेक्ट्रिक के जो कर्जदाता हैं उनको गौर करना चाहिए कि इसमें जो बिल आ रहे हैं वो बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं इस बिल को अदा करने में बहुत मुश्किल दरपेश हैं। तो मेरी उनसे एक नहायती एक इंसानियत के नाते एक दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इस पर ज़रा गौर करें और ये मालूम करें कि आखिर ऐसा बिल क्यों आ रहे हैं, जबकि जो पर यूनिट जो है जो आ रहा है वो बहुत कम है। तो चुनाचे अगर के कराची इलेक्ट्रिक के जो कर्जदाता हैं अगर एक बार संजीदगी से लोगों की यानी कराची के आवाम की जो मुश्किल हैं उस पर गौर कर लें, बिजली के बिलों को देख लें और तो गौर करें कि भाई किस तरीके से इसमें कमी लाई जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मतलब ये एहसान होगा कराची वालों पर और खसूस उन लोगों पर कि जिनकी तनख्वाहें जो है वो मुश्किल से 20,000 रुपये भी नहीं, और अगर 20,000 रुपये के पस मंजर में अगर 17,000 रुपये का बिल आता है तो बताइए कि वो किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे, किस तरीके से बच्चों को तालीम देंगे। मेरा ख्याल है कि कराची इलेक्ट्रिक में ऐसे हमदर्द लोग मौजूद हैं, ऐसे इंसान दोस्त मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर इस सिलसिले पर गौर करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि उनको भी अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। आज वो हो सकता है कि आवाम के एहतजाज को अहमियत न दें, उसको दरखोर इतना न समझें, लेकिन यकीनी तौर पर अल्लाह ने उनको जवाब देना होगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि वो सोचें और तो गौर करें और एक ऐसी हिम्मत अमली इख्तियार करें कि बिजली के जो बिल हैं वो कम हो और जो जो बिजली खर्च हो रही है उसी की बुनियाद पर बिल पेश किए जाए, वरना जिस तरीके से बिल आ रहे हैं वो उसका और जो बिजली खर्च हो रही है उससे कोई तनासुब नहीं है। आप गौर करेंगे और लोगों की तकलीफ का इजाला करेंगे तो अल्लाह के आपको सवाब भी मिलेगा और कराची का आवाम भी आपको दुआएं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।